चिंतपुर्णी से हम लेफ्ट को ज्वाला जी माई के यहाँ जा रहे हैं और ये रोड सीधा ज्वाला माँ की तरफ जा रहा है और जय ज्वाला माँ। वैष्णवी पंजाबी ढाबा हमेशा हम जब भी जाते हैं यहाँ से धर्मशाला मकलोडगंज तो यहाँ पे खाना हम खाते हैं। शर्मा जी ये बहुत अच्छा इनका खाना है, वैष्णवी पंजाबी ढाबा है, इसका बहुत बढ़िया खाना है, प्रेपरेशन बहुत अच्छी है इसकी। और आप भी आए, जब भी आए यहाँ पे रुक के खाना खा के जाए। शर्मा जी के रेस्टोरेंट में आ चुके हैं और हमने मंगाई है एक पनीर की सब्जी और लच्छे परौंठे, ये बहुत टेस्टी है, अभी आपको इसका टेस्ट करके दिखाएंगे। अगर आप भी आना चाहें तो प्लीज़ आ जाए और आपको हम हाँ जी खाना खुना हो गया जी, हमारा पेमेंट दे दी है, बैलेंस हम ले रहे हैं, टोटल 200 का हमारा हुआ है, 500 दिया था और 300 रुपया वापस आ गया। रोटी बहुत अच्छी है इनकी, खाना बहुत बढ़िया है, आप भी आए खाना खाएं। तो लेट्स गो क्योंकि लेट हो रहे हैं, ज्वाला जी पहुँचना है, माँ माई हमारी प्रतीक्षा कर रही है कि हमारा बेटा जल्दी जल्दी आए और जल्दी जल्दी हम चलो चलो। गाइस हम अब माँ ज्वाला जी के पास चलने लगे हैं, अब गाड़ी में बैठने लगे हैं। पहुँचेंगे यहाँ से कम 1.5 घंटे का सफ़र है, तो चलो चलते हैं। ये सामने बोर्ड आ गया जी, सीधा धर्मशाला है, लेफ्ट हैंड पे ज्वाली है, नूरपुर है, हमीरपुर है, ज्वालामुखी, ये रास्ता आप ज्वालामुखी जा रहा है ज्वाला जी माँ के दरबार में। यहाँ से एक बार पूछना तो जरूर पड़ेगा कहाँ से ज्वाला जी का रास्ता मुड़ता है, सो यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलिए एक बैजनाथ है, धर्मशाला है, ज्वाला जी इधर जाना ना। गाइस हम थोड़ा सा आगे थे तो जब वो बोर्ड आता है उससे थोड़ा सा आगे चौक आता है छोटा सा राउंड, उससे राइट हैंड मुड़ना है और ये हम राइट हैंड मुड़ गए और सीधा ये ज्वाला जी जाएगा। तो यहाँ से ब्यास नदी को क्रॉस करके ब्यासा रिवर को क्रॉस करना है, उसके क्रॉस करते ही राइट हैंड रोड जाती है सीधा ज्वाला जी के लिए, ठीक है। और ये रोड देखें आप, राइट हैंड लिया ब्यासा रिवर से चौक से, वहां से 10 किलोमीटर ज्वालामुखी का मंदिर है महामाई का, तो बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छी रोड्स बहुत अच्छी हैं, मौसम आज बहुत बड़ा है अच्छा है और कभी धूप हो जाती है कभी बादल आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और ये हमारी गाय माता जी रास्ते में बैठ जाती हैं और ट्रैफिक अवरुद्ध कर देती हैं, और ये रोड्स बहुत हिमाचल की अच्छी बन गई है, सारा फॉरेस्ट एरिया है, राइट लेफ्ट में सारी जंगल है और बहुत अच्छा लगता है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, आबोहवा बहुत अच्छी है। तो एंटर कर रहे हैं इसलिए आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा रश हो गया है।
तो हम तकरीबन ज्वाला जी में पहुंच चुके हैं। ये राइट हैंड पे आगे जाके बस स्टैंड आएगा, वहां पे पार्किंग है। तो देखते हैं हम किस होटल में जाना है या कैसा भी होगा, जाके पता करते हैं और आपको अपडेट करते हैं कि कहाँ पे रहना चाहिए और कहाँ पे अच्छा है। वैसे तो यहाँ पे एक बोला है कि ज्वालामुखी होटल ज्वालामुखी बहुत अच्छा है, देखते हैं, लेट्स सी जाके। ज्वालामुखी का राइट हैंड पे बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड से लेफ्ट हैंड को महामाई का दरबार है जी। ये सामने ज्वालामा जी का, यहाँ से सीधा ऊपर ज्वालामुखी जाया जाता है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ से पार्किंग कहाँ लगाते हैं और यहाँ आके बहुत खुले दर्शन हुए हैं हमारे को। हमारे पूजनीय पंडित जी है जिनसे मेरा बहुत प्यार है। शुभमन का नाम है, कभी भी आना होगा तो मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड करा दूंगा। माँ ज्वाला जी ने इतने खुले दर्शन दिए, बैठ के अंदर आरती की, आपकी जो मेरे व्यूवर्स होंगे मैं उनके लिए भी प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ महामाई से। ज्वाला माँ जो भी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग्स देखेगा उनकी माँ मनोकामना पूरी करे, उनकी बिजनेस में नौकरी में तरक्की दे। माँ ज्वाला जी से यही मैं प्रार्थना करता हूँ। जय माँ ज्वाला। माँ की यज्ञशाला है, यहाँ पे यज्ञ होते हैं, माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ की स्तुति करने के लिए यहाँ पे यज्ञ होते हैं। जो भी माँ को सच्चे मन से यहाँ पे यज्ञ करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये हमारी हवन कुंड है, नीलकंठ महादेव बजरंग बली हनुमान जी सारे माँ के भक्त हैं यहाँ पे, उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है अपने भक्तों के ऊपर। सो जो माँ का ध्वज है बहुत अच्छा, पहाड़ों के ऊपर इतनी खूबसूरत लहरा रहा है हमारा सनातन धर्म का। माँ माता जी का शयन कक्ष है और ये माँ जी का चांदी का ये बेड है, यहाँ पे माता जी रात को विश्राम करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नए दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। माँ ज्वाला जी मंदिर में फिर से बहुत अच्छे दर्शन, बहुत खुले महामाई ने दर्शन दिए। यहाँ की एक प्रथा है, राजा अकबर ने यहाँ पे हंकारी होके माँ को बोला कि तेरे मैं सवा मन का छतर चढ़ाऊंगा सोने का। वो छतर आज ये पड़ा हुआ है, जिसका कोई मतलब नहीं है कि ये छतर कोई सोने का है, इसका कोई पता नहीं है कौन सी धातु का रह गया। सो माता ने उस अहंकारी को, जो अहंकार करके आता है, जो द्वेष मन में लेके आता है, ज्वाला माँ उसकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं करती। जो मन से आता है, सो जो दिल से आता है, श्रद्धा भाव से आता है, माँ ज्वाला जी उसकी हमेशा उन भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। सो
भगतो माँ ज्वाला जी की मार्केट है जिथे चुनिया प्रसाद हर चीज़ मिलती है। आओ तुम मार्केट के दर्शन कराइए, मार्केट का विजिट कराइए और मार्केट घुमाइए। हर चीज़ मिलती है, बच्चों लिए खिलौने और प्रसाद, खाना पीना, संदूर, आम पापड़ वगैरह फुल सारा कुछ मिलता है इतने। और ये सारी दूरों इतों सारिया संगत चढ़ के आदि महामाई के दर्शन करने। ये माता का दरबार है। जय माता दी। नमस्ते, जय माता दी। अब हम ज्वाला जी से लुधियाना की ओर जा रहे हैं और मैं ज्वाला जी अपने परम मित्र के घर रुका था, शुभम का उसका नाम है, तो इसलिए मैंने वो ब्लॉग में नहीं डाला क्योंकि किसी के घर की प्राइवेसी होती है। तो अब यहाँ से हम चलने वाले हैं और रास्ते का जो भी होगा, जैसे भी होगा, व्यूज आपको दिखाते रहेंगे। सो मेरे दोस्तों, चलो आपको मैं पंजाब लेके चलता हूँ। जय माता दी। सो दोस्तों, ज्वाला माई का ये सामने भवन है और ये पहाड़ियों के बीच में मेरी माँ रहती है और ये लेफ्ट हैंड पे बस स्टैंड है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट ये माता के दरबार में रास्ता जाता है। ये महामाई का गेट है। जय माँ ज्वाला माँ, शक्ति पीठ है ये ज्वाला माँ का। और ये सामने जो चिंतपुर्णी दिखा रहे हैं, यहाँ से 34 किलोमीटर चिंतपुर्णी का रास्ता है। हमने चिंतपुर्णी के रास्ते से होकर होशियारपुर के रास्ते से होकर लुधियाना जाना है, तो आओ चलें फिर लुधियाना। अच्छा है, ये रोड सारी नई बनी हुई है और आगे भी इस तरह का मेरा ब्लॉग देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय माता। कि हम ब्यासा नदी से क्रॉस कर रहे हैं और बहुत कम पानी है, देखो इधर बहुत कम पानी है, जैसे एक छोटी सी धारा बह रही है। और ये हम ब्यासा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, है तो बहुत अच्छा है पर इसमें पानी बिल्कुल सूखा हुआ, पता नहीं क्यों, शायद बारिशें नहीं हो रही, हो सकता है नेक्स्ट मंथ बारिशें होगी तो शायद इसमें पानी भरेगा। सो आज भी दिन बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है, कई जगह बादल आ जाते हैं तो कई जगह धूप आ जाती है, बहुत प्लेजेंट वेदर है। कई बार पेड़ों की छाएं आती है, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि पेड़ों ने गुफा बनाई हुई है, उसके रास्ते में जाते हैं, तो बहुत एंजॉय कर रहा हूं और आप भी मेरे साथ एंजॉय करें मेरी ट्रैवलिंग। क्या मौसम है, क्या बढ़िया नजारा है, देखो पेड़ की, दरख्तों की छाओ कितनी सुंदर लग रही है, दिल को ऐसा लग रहा है कि प्यारा लग रहा है दिल को बहुत ज्यादा। और ये आगे धूप आ गई है। अब ये मिट्टी वाले पहाड़ हो गए हैं, कटिंग बहुत हो रही है, नेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है, पहाड़ों का व्यू सारा ही खत्म कर रहे हैं लोग अपने चंद पैसों के लिए। और ये देखो कितनी पहाड़ियां काट काट के यहाँ पे दुकानें, कभी यहाँ पे इतनी होती नहीं थी दुकानें, ना इतनी कंस्ट्रक्शन थी, तो अभी ये देखो कंस्ट्रक्शन चल के और पहाड़ों को बिल्कुल काट दिया गया है नेचर के साथ। कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नेचर के साथ छेड़छाड़ होने पे, इसलिए नेचर भी लोगों के साथ छेड़छाड़ करती है। सो गाइज, अगर जितने भी प्लांट्स या जितने भी ट्री अगर आप काटते हो तो उसके दुगने हमें प्लांट लगाने चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। सो एक दिल में ये होना चाहिए कि मैंने कम से कम 5 प्लांट्स
ग्रीनरी लगानी है अपने घर के पास आस पास, जहां भी आपको लगे, कहां जहां पे भी आपको स्पेस मिले, रोड पे मिले, तो पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि पेड़ों की छाएं आप देखिए, अभी मैं दिखाऊंगा आगे भी ऐसे आ रही है जैसे जंगल है, पेड़ों ने अपनी छत की रखी है सड़क के ऊपर, तो अच्छा लगता है, एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, क्लाइमेट अच्छा होता है, ऑक्सीजन मिलती है, ये देखो कितने अच्छे लगते हैं। रोड्स के साइड पे अगर हम कम से कम 5 पेड़ एक बंदा लगाए तो कितना अच्छा हो। फलदार पेड़ लगाने चाहिए, आम लगा दे, कुछ फ्रूट्स के पेड़ लगा दें, छायेदार पेड़ लगा दें, सफेदा ना लगाएं, सफेदा पानी बहुत अब्सॉर्ब करता है, तो वो पेड़ लगाएं जो पानी कम अब्सॉर्ब करते हैं और छाए दें, फ्रूट्स दें। से हम जा रहे थे और इतनी प्यारी वादी है, इतनी प्यारी वादियां है, सामने बर्फ वाले पहाड़ है, देखो गाइस इतना प्यारा सीन है, इतने खूबसूरत है, मजा आ गया, जैसे जन्नत है वहां पे, स्वर्ग है, देखें कितनी ब्यूटीफुल लग रही है पहाड़ियां जिन पे बर्फ पड़ी हुई है, और बड़ा अच्छा लग रहा है व्यू। और अब आहिस्ता आहिस्ता हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ और बहुत एंजॉय हो रहा है। ये जो पहाड़ है ये हिमाचल के धर्मशाला के पहाड़ है, बहुत दूर से ये दिखती है बर्फ क्योंकि बहुत हाइट पे पहाड़ है, बहुत अच्छा लगता है, मैक्लोडगंज वाले पहाड़ है, तो आप भी जाएं और एंजॉय करें, बर्फ पड़ी हुई है भाई। हम अपनी जो हमारा काली माता जी का मंदिर है लुधियाने वालों का, उसके पास हम चंद मिनटों में पहुंचने वाले हैं, और हम अभी मैं आपको अपनी माँ काली जी के दर्शन करवाऊंगा। हार्डली 2-3 मिनट रह गए, हम बस पहुंचने वाले हैं, और जब भी आप लुधियाना से या कहीं से भी आएं चिंतपूर्णी के दर्शन करने के लिए, सबसे पहले लुधियाना की तरफ से, होशियारपुर की तरफ से हमारा काली माता जी का मंदिर पड़ता है, तो आप जरूर वहां पे मत्था टेक के जाया करें, महामाई का आशीर्वाद लेके वहां से निकले, और माँ आपकी मनोकामना पूरी कर रही। सामने जो है ये होटल है माउंट व्यू, माँ बगलामुखी गगरेट का ये मंदिर है, पर जो बगलामुखी है मेन वाला मंदिर वो आगे है, ज्वाला जी से आगे है, और ये छोटा सा मंदिर है माँ को समर्पित है। सामने हमारा मंदिर आ गया है, वो जो येलो कलर की गुमटी है, और आपको अभी अपनी माँ काली जी के दर्शन कराएंगे, आपको अंदर लेके जाएंगे और आप मंदिर में काली माँ जी के दर्शन कीजिए। अभी आपको ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का ये नाका है, और ये हमारा इधर शनि मंदिर भी है, ये हमारा काली माता जी का मंदिर है, ये यहां से हम एंट्री कर दिए, ये हमारा
मंदिर का रास्ता है और ये हम पहुंच गए अपने मंदिर माँ काली माता जी के। आओ आपको हम अंदर लेके चले और आपको दर्शन करवाए अपनी माँ काली जी के। ये हमारी माँ काली जी का दरबार है, लुधियाना वालों का मंदिर है, हमारा मंदिर है, सबका मंदिर है। माँ के दर्शन कीजिए, माँ काली माँ के, और अपनी मनोकामना पूरी करवाए। जय माँ काली। अपनी लुधियाना वाले मंदिर से, काली माता जी के मंदिर से अभी निकले हैं और हम फिर होशियारपुर की तरफ से आ रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है 1 बजे और अब हम निकल रहे हैं। तो ये हम अपने हाईवे पे आ गए हैं, प्लीज आप हमारे साथ चलें। पास ही में है कॉफी हाउस और यहाँ पे हम कॉफी पियेंगे या कुछ थोड़ा बहुत स्नैक्स लेंगे और आ जाओ आपको भी कॉफी और स्नैक्स खिलवाएं। पार्किंग कहाँ पे है? हाँ ये है इनकी पार्किंग, क्योंकि साथ में है पेट्रोल पंप। पार्किंग बहुत गर्म गर्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे शेड नहीं है इनके और धूप में गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी। तो ओके कॉफी हाउस का मेनू है, ये आपके थोड़ा सा डे स्पेशल लिखा हुआ है, पनीर 65 एट 310 का, नाचो सैलड है 280 का। बाकी देखते हैं इनके अंदर क्या मिलता है और अच्छा मिलता है कि बुरा मिलता है, ये तो खा के पता चलेगा। आओ। सो गाइस, मैंने पहले यहाँ पे रैप है चिल्ली पनीर वाला, गार्लिक चाउमिन और एक कोल्ड कॉफी। खाना बहुत अच्छा है, टेस्ट करें मज़ा आ जाता है। टेस्ट कॉफी का टेस्ट करके देखता हूँ, बाकी सब खाने के लिए ठीक था, कॉफी देखता हूँ कैसी है। यम्मी। अभी कॉफी हाउस से चल पड़े हैं क्योंकि यहाँ पे एकदम रश हो गया। खाना बहुत अच्छा है पर थोड़ी सी सर्विस लेट है क्योंकि एकदम रश वाला हिसाब किताब हो गया था। तो आए आप यहाँ पे खाएं और एंजॉय करें, फूड बहुत अच्छा है, नो डाउट फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा है, अंदर सिटिंग बहुत अच्छी है, ग्रीनरी बहुत है इनके यहाँ, मतलब मज़ा आ गया खा के, सब कुछ पैसा वसूल हो जाता है। कोल्ड कॉफी इज गुड, रैप बहुत अच्छा था, मतलब ऑल ओवर चीज सारी बहुत अच्छी थी, बहुत खाना बहुत बढ़िया था। सो मैं अभी बेल्ट लगा लूं क्योंकि आगे अगर कोई पुलिस वाला होगा तो मेरा चलान हो जाएगा, ठीक है ना? आप भी लगाया करो आपकी सेफ्टी के लिए हमेशा। तो गाइज ये हम चल पड़े होशियारपुर की ओर और टाइम तकरीबन 2 बजने वाले हैं। बहुत एंजॉय किया, खाना एंजॉय किया और अब चलो पंजाब। सो दोस्तों, हिमाचल की ये लास्ट बाउंड्री है, अब हमारा बॉर्डर है ये हिमाचल और पंजाब का। अब ये हम जा रहे हैं, वेलकम टू पंजाब। यहाँ से होशियारपुर 19 किलोमीटर है, 19 किलोमीटर के बाद फिर फगवाड़ा, उसके बाद गुराया, फ्लोर, फिर लुधियाना। मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी और माता रानी आपको बहुत बड़ा सरप्राइज देगी, ढेर सारे पैसे मिलेंगे। जो भी मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और शेयर करेगा, माता रानी इसी साल में उसको एक बड़ा सा मकान लेके देगी और बड़ी सी गाड़ी लेके देगी और वो भी मेरे साथ घूमेगा, ऐसे ही टूर पे जाएगा, व्लॉगिंग करेगा। देखो मंकी आ गए रास्ते में, बहुत ज्यादा मंकी है। सो आप जल्दी से जल्दी मेरे को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और लाइक करें। तो हम गाइस अभी पहुंच गए हैं, फुगवाड़ा क्रॉस करके गुराया पहुंच गए हैं। तो टोटल जो लुधियाना से हमारे घर से लेके यहाँ तक 278 किलोमीटर हो चुके हैं जाने के, और वापसी अभी देखते हैं घर तक कितना टाइम लगता है और कितने किलोमीटर बनते हैं। बहुत इंजॉय किया टूर गाइस, इतना अच्छा, इतना मौसम अच्छा, इतना मजा आया, माता के इतने खुले दर्शन हुए। सो माता अगली बार फिर बुलाए और मैं फिर आऊंगा। नेक्स्ट मैं एक जगह और जा रहा हूँ, और आप सोचें कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट करें कि कहाँ के लिए मैं आपको लेके जाऊंगा। पर मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, और आपने गैस लगाना है कि मैं कौन सी कंट्री में जा रहा हूँ। गैस, और आप मेरे को कमेंट में बताना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो गाइज अभी लाडोवाल टोल प्लाजा क्रॉस किया है और अभी हम लाडोवाल में आ गए हैं। ये पुल क्रॉस करते लुधियाना पहुंच जाएंगे और हमारी यात्रा चिंतपुर्णी ज्वाला जी बहुत ही अच्छी हुई है। माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि हमारे को इतने अच्छे दर्शन दिए और हमारी इतनी अच्छी यात्रा करवाई। सो ये जो ब्रिज है ना, ये ब्रिज देखा आपने, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हार्डीज वर्ल्ड है और रेलवे ब्रिज है। ये देखो, वो कंटेनर खड़े हैं, रेल मालगाड़ी खड़ी हुई है। और गाइस ये सामने हार्डी वर्ल्ड है, यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज बहुत है, अंदर अच्छा है, वाटर पार्क है, मैरी गो राउंड, ये झूला है, और भी कई एक्टिविटीज है इसमें। ये लुधियाना के आउटर पे है, जब आते हैं हम, स्विमिंग भी इसमें है, अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत एंटरटेनमेंट होती है यहाँ पे। तो कभी भी अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को लाना हो तो यहाँ पे जरूर हार्डीज वर्ल्ड में आए। अभी ये जो आगे है, अभी हो सकता है कि पुलिस का स्पीड वाला कैमरा लगा हो। तो गाइस यहाँ पे स्पीड मैंने बहुत स्लो कर दी है, अभी 60 पे आ गया हूँ, क्योंकि ये कर्व है, कर्व के आगे ही पुलिस वालों ने नाका लगा रखा होता है, कैमरा लगाया हुआ है। लुधियाने वालों को तो पता होता है, जो बाहर से गाड़ियां आती हैं स्पीड से, उनके चालान बहुत होते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। ये हार्डी वर्ड्स के थोड़ा सा आगे जब आप आएंगे फगवाड़ा की तरफ से, तो यहाँ पे स्पीड अपनी बहुत स्लो रखनी है। वहाँ पे आगे कैमरे लगे हुए हैं पुलिस के, और आप बिल्कुल स्लो आए। अभी दिखाएंगे, वो सामने हट लगी हुई है पुलिस वालों की, और ये देखो कितना गाइस धुआं आ रहा है, जैसे फॉगिंग मशीन होती है वो। देखो सामने अभी दिखेगी आपको, गाड़ी खड़ी हुई है उनके नीचे, शायद कैमरा लगा, नहीं ये तो कुछ खिलौने बेच रहा है। सॉरी गाइस, यहाँ नहीं, अभी आज नहीं लगाई इन्होंने, नहीं तो इस पॉइंट पे एक कैमरा लगा होता है पुलिस वालों का, तो आज नहीं लगा हुआ, अच्छी बात है। तो अभी ये सामने बोर्ड आ रहा है जी, शाहबाद लिखा हुआ है, यहाँ से 146 किलोमीटर है, नीलोखेड़ी 180, और दिल्ली यहाँ से 324 किलोमीटर है। सो गाइस हम लुधियाना पहुंच गए हैं, और वेलकम टू लुधियाना, वेलकम टू आवर होम टाउन। आइए आपको अपने घर ले चलते हैं। गाइस मैं अपने घर पहुंच गया हूँ, ये हमारी सोसाइटी है। तो होप करता हूँ कि, आशा करता हूँ कि मेरा ये आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और देरो सारे मेरे को कमेंट्स देना कि ये मेरा व्लॉग है। तो चलो गाइस, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।